हमें हमारा हमारे सेवन्थ फ्लोर तो हमें पहले दूसरा रूम दे दिया छोटा सा तो उसमें बाहर सामने कुछ दिखे ही ना मैंने कहा यार पहली बार दुबई आए हैं और व्यू तो दिख ही नहीं रहा बुर्ज खलीफा तो दिख ही नहीं रहा <laughs> तो वो कहते हैं मैम आज ना इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो आज पूरे रूम फुल है तो आप देख लो कैसे क्या करना है मैंने बोला मुझे नहीं पता मुझे तो व्यू देखना है मुझे स्टोरी डालनी है मुझे तो दिखाओ तो कि मैं बाहर आई हूँ उनने बोला कि एक ना स्पेशल रूम है

आके भैया और मैं साहिल भैया तो अपने रूम में चले गए वो इतना तो बड़ा रूम सिर्फ हम दो जनों के लिए मेरे भाई के लिए और मेरे लिए मेरा बड़ा भाई और मैं बेड पे सोए हुए दोनों तो, तो लगभग तीन बजे की बात है ढाई तीन बजे की बात है तो मैं ऐसे लेटी हुई और मेरे भाई की मुझे एकदम सेवा आ जाए शालू और मैंने कहा क्या है और मैं भाई को देखो भाई ऐसे पड़ा सीधा भाई की नहीं मुड़ती मुड़ रही गर्दन भी अच्छा मैंने कहा क्या हो गया तुझे कहता मैंने हिलाया इसको कहता यो कुछ है और उसने इतना बोला मेरी हवा टाइट <laughs> <laughs> मैंने कहा यहाँ भी दुबई में भी कुछ है, है तुझे, तुझे? <laughs> वो मेरे तरफ देखे मैं उसकी तरफ देखूं मैं बोला क्या करूं मैं तो मैंने साहिल भैया को बुलाया मतलब जैसे तैसे करके फ़ोन मिल गया पहले तो मिल ही नहीं रहा था फ़ोन तो फ़ोन मिल गया मैंने कहा भैया यहाँ आओ आप यहाँ हैं यहाँ कुछ हो गया है इसको देख लो आप यहाँ के आप ही संभालो मैं तो खुद मैं मैं इसे संभाल मैं तो खुद को नहीं संभाल सकती इसको क्या संभालूंगी तो भैया आए आते ही उनको भी कुछ फील हुआ वहाँ पे तो बोले कि एक काम करो सब कुछ छोड़ दो हम दूसरे रूम में चले गए तो फिर वहां जाके तसल्ली से पूछा मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ी पूछने की भाई से कि तुझे तो दिखा क्या है बाद में जाके मैंने पूछा मैंने कहा भाई क्या देख लिया तूने क्या देखा था मुझे तो एक लेडीज दिखी पाल खोले हुए एक लेडीज दिख गई मैंने बोला भाई क्या क्या सच सारी चीज बता कहता मैं सो रहा था मुझे ऐसा लगा कि सोते सोते मेरे ऊपर किसी ने हाथ रखा मैंने कहा वो तो हो जाता है हाथ रखा जाता है सोते में कहता नहीं मेरी आँख खुल गई मुझे कुछ दिखा कहता मुझे प्रॉपर तो कुछ दिखा नहीं बट मुझे दिखा और मेरी आवाज़ भी ना निकले मैं तेरी तरफ को इशारा करूँ कि उठ जा मेरा हाथ तक भी नहीं बढ़ रहा था तेरे तक बोला कहता मैंने सारे भगवानों के नाम ले दिए मैंने तो फिर इसने ऐसे ऐसे बता दिया मुझे ये तो बात बूत कर कर के चलो ठीक है अब तो हो गया जो हो गया अब तो यहाँ सो जाओ हमारे रूम में भैया तो सारे सो गए और मेरी नींद ना लगे अगले दिन शूट

एक सेकंड में कहीं नहीं बोल सकती है पूरी दुनिया में अच्छा। तो उन्होंने सब कुछ कर दिया वहाँ पे फिर मुझे बताया मैं खुद को तो मैं कंट्रोल कर रही कि नहीं यार कुछ नहीं होगा उसने कुछ नहीं देखा ऐसे ही बकवास कर रहा होगा पर जब गुरु जी का मतलब उन्होंने बोला और उनका मैसेज जो आया कि एक रशियन थी सुसाइड कर ली थी उसने वो वहाँ पे थी तो आपने ये होटल वालों से बोला कि यहाँ पे ये क्या हुआ क्या होता है। बाद में अगले दिन बोला था ना तो था वो खुद पागल हो गए कि तुम लोगों को कैसे पता चला हाँ रशियन थी उसे कर लिया था हाँ। उन्होंने यही बात बोली मतलब हाँ। उनको पता था तो जानपूझ जानबूझ पूछ के पूछ नहीं देते थे वो रूम स्पेशल कमरा है हमारे पास स्पेशल कहते स्पेशल मैंने कहा यार अच्छा उस स्पेशल कमरे से आपको व्यू मिला बुर्ज खलीफा का आपको स्टोरी बनी चलो एक काम होटल था कौन सा वो वैसे हमें पता चल जाएगा ना जाएंगे नहीं भाई बाद में नहीं? बता दूंगी <laughs> <laughs> तो जैसे ही उन्होंने बोला गुरु जी का मैसेज आया कि वहाँ पे ऐसे हो गया था भाई फिर ना आए मुझे नींद <laughs> <से> <laughs> तो यही मिला <laughs> तुम्हें तो यही करना था मैंने अगले दिन होटल चेंज करवाया फिर hmm. सबका इतने सारे लोग रुके हुए थे तो सबका होटल चेंज करवाया मैंने कहा मुझे नहीं आ रही भाई यहाँ नींद कोई इंडिया में हुआ है कोई किस्सा इंडिया में भी बहुत सही किस्से हो रखे थे हमारे जो रिंकू भाई हैं जो भी हमारी गाड़ी भैया ही चलाते बढ़िया हमारे मेरे मामा के लड़के हैं तो एक एक लोकेशन थी लोकेशन तो मैं नहीं बताऊंगी फिर कोई जाएगा नहीं वहाँ पे तो अच्छी <laughs> बात है ना कहीं वहाँ जाके पकड़ लिया किसी को तो कौन से जिले में ये बता दो चंडीगढ़ से अच्छा। थोड़ा सा आगे अच्छा तो हमारा शूट मैं बढ़िया अपना मेकअप वेकअप करवा के चली गई मैं बोलती मैंने कहा चलो भैया मेरा शूट चल रहा है तो आओ मेरे साथ चलो तो ये कहता है रिंकू भाई तू जा मुझे तो गाड़ी चलानी है मैं तो सोऊंगा मैंने कहा सो जाओ भाई अच्छी बात है सो जाओ और ये मेरे भाई है नैतिक भाई है तो वो बहुत शरारती है दोनों ये रिंकू भाई भी और वो भी तो नैतिक भाई मस्ती करता रहता है मार दिया इधर उधर जाटा ना तो खुराफ आती है तो इधर उधर लड़ रहे थे ये दोनों रिंकू भाई भी और नैतिक भाई भी तो फिर नैतिक भाई चला गया उठ के चला गया ये चद्दर तान के सो रहा रिंकू भाई इसने मुझे बताया था बाद में तो कहता कि मेरे को लगा मेरे मेरे पे ना ऐसे ऐसे तीन चार साटे पड़े फट फट <laughs> ये तो कॉमेडी ज्यादा लग रही है सुन के लेकिन ये आपके वो भाई होंगे जो चटपट मारते होंगे मुझे लग रहा है मैं को ने बोला कि मैंने पहले चादर और बोला नैतिक मान जाना क्या कर रहा है वो फिर दो थप्पड़ फट फट तेरी कहता मैंने चादर नैतिक मान नैतिक हो तो नैतिक हो तो इधर उधर देखा वहां ना नैतिक <laughs> ना नैतिक की जात कोई नहीं वहां वहां नहीं कोई भी रिंकू की हवा टाइट रिंकू कह रहा मैंने बहुत मुश्किल करके बोला कौन है कौन <laughs> <laughs> <खुण> सा <laughs> कैसे कौन सा है? कह रहा मैं सो भी मारा कैसे खुराक मांग रहा दी है <laughs> कहता मैं सो भी मारा कि वो जो बालकनी टाइप होती है कहते इधर कूदो तो मरू बाहर गेट लग रहे बाहर जाऊं तो भी मरूं हो, हो, कहता चादर खींचे मेरी हाँ कहता चादर खींचे मेरी

फिर तो नींद अगले दिन तक नींद कुछ हो तो <laughs> गुद्दी पे उसने बढ़िया कैडे कैडे सेक दिए लग रहा खूब सच में भाई मेरे को तो अब भी लग रहा है नैतिक भाई हाँ मुझे भी लग रहा है, भाई। <laughs> लग रहा है भाई ने अगर सामने पड़ रहे होते कि हवा में पड़ रहे हो चार्टे तब होता और मेरे साथ था ना शूट पे अच्छा नितिक भाई वहाँ आ गया था तो जब उन्होंने अपने वो ऊपर से हटाया कंबल तो हवा में छाटे आ रहे थे ऐसे ऐसे नहीं, नहीं नहीं, इतना भी नहीं तब आते तो तब और था तब होती कोई और राजा महाराजा टाइप था वो उस हजार साल पुराना था वो किला था अरे वहाँ तो पढ़ सकते है फिर तो हो रहा मैं अभी इसको दो तीन दिन पहले बोली की मैंने कहा भाई शूट है एक के तक कहाँ पे मैंने कहा उनसे जाऊंगा दूसरा ड्राइवर लेके चाहिए। <laughs> <laughs>